साथियों नमस्कार, हम लोग एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं शांति के राजा चैनल। हमारा विषय है आग्रह में अनुग्रह। आज हम चर्चा करेंगे नीति शास्त्र या आचार संहिता हमारे घर की। साथियों, हमारे घर में, परिवार में एक नीति बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है या एक आचार संहिता टाइप की चीज है जिसके अनुरूप हम अपना जीवन जीते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, हम उसी को दूसरों के बीच में देना चाहते हैं और विशेष रूप से अपने परिवार के बच्चों पर। और ये नीति कहाँ से आती है साथियों? ये नीति वह है जो हम सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किस प्रकार का व्यवहार करें और बच्चे भी देखना चाहते हैं कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसा कि आज के जीवन में हम देखते हैं, कर्ज चोरी करना या फिर परीक्षा में नकल करना या अन्य प्रकार के जो समाज में हो रहे कुरीतियां हैं, हम उसके प्रति किस प्रकार हम अपना संदेश देते हैं, बच्चे हमारी देखते, सुनते और समझते हैं। हमने एक परंपरा अपने परिवार में बना रखी है। जरूरी नहीं है कि परंपरा दूसरे के परिवार में भी हो। जैसे बड़े बुजुर्गों का आदर करना, परिवार में जब कोई आता है तो हमारे परिवार के कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चे उनके पैर छूएं, उनका नमस्कार करें, उनके लिए पानी लेकर के आएं। यह हमारी परंपरा है। कुछ परिवारों में जब वे आते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग परंपराएं हैं और हम अपने परिवार में ये परंपराओं का जो जरिया है जारी रखते हैं। और यदि हमारे बच्चे उसके अनुरूप नहीं करते हैं, जब हमारे मेहमान चले जाते हैं, तो अवश्य हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आज आपने ऐसा नहीं किया, ये गलत है। तो एक आचार संहिता हमारे परिवार की। साथियों, जब ये आचार संहिता आज के जीवन में हम लागू करना चाहते हैं तो बच्चे शायद कई बार सोचना समझना नहीं चाहते हैं। साथियों, हमें सिखाने में बरस लग जाते हैं। हमने जो सीखा है, जिसको हमने आत्मसात किया है, उसमें भी कई समय लगा है और हम चाहते हैं कि बच्चे तुरंत उस बात को स्वीकार करें, ये जरूरी नहीं है। और जब ये बच्चे नहीं कर पाते हैं तो हम अवश्य उनसे नाराज हो जाते हैं। साथियों, ये नीति शास्त्र या आचार संहिता या आचार व्यवहार जो हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है, तो ये हमारे लिए चेतावनी की घंटी है। क्योंकि जो हमने सीखा है, यदि वो परंपरा हम अपने बच्चों में नहीं डालेंगे और उसका अर्थ नहीं समझाएंगे, तो आज की पीढ़ी शायद हमें नहीं समझने वाली। हम समझाते रह जाएंगे लेकिन वह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। यदि हम ज्ञान बांटेंगे तो शायद वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि आप अपने जीवन में वही करें, ऐसा करें जिससे आपके बच्चे देख करके प्रसन्न हो, उसका अर्थ समझें, उसका मर्म समझें और वो अपने जीवन में आत्मसात करें। हो सकता है वे अपने परिवार में उसको न दिखा पाएं, लेकिन जब वे दूसरों के साथ में व्यवहार करेंगे, अवश्य आपने जो उन्हें सिखाया है, दिखाया है, समझाया है, उसका वो पालन करेंगे। अन्यथा आप अपने बच्चों को खोते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमारे साथ में शायद नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी पारिवारिक परंपराओं या पारिवारिक आचार संहिता को उन्हें नहीं समझाया है। इसलिए बाइबल में एक लाइन लिखी है, एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 बताता है, पिता अपने बच्चों को खिजाए नहीं, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। जी हाँ साथियों, हम सभी का कर्तव्य है कि हम ईश्वर की योजना को समझें, अपने परिवार को बांधे रखें और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को आकर्षित करें और विशेष रूप से अपने बच्चों को, ताकि वे आपकी आचार संहिता को अपने जीवन में लागू कर सकें और एक सुखमय परिवार बन सके। धन्यवाद।